हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? मैं तो अच्छी हूँ, आप अपना जानो। हेलो हाय, आज मैं अपने मुंह पर फैला रही हूँ तेल। मैंने आपको पहले भी बताया है, गोरे होने के अनेक उपाय, तो ये उनमें से एक उपाय है। और आप जान ही रहे हैं कि मुझे भाव वाले और धरती माता वाले, खूब सारे पुरपुर वाले और नायक वाले, मुझे बहुत सारे जो हैं क्रीम पाउडर आते रहते हैं, और वो सब लगा लगा के जो मेरे स्किन का जो बुरा हाल हुआ है वो कैमरे पे साफ नज़र आ जाता है, फिल्टर भी काम नहीं करते अब तो। तो आज मैंने सोचा कि कुछ नेचुरल ट्राई करती हूँ, और आज मैं लगा रही हूँ गोले का तेल। आप सभी लोग लगाएं, हालांकि किसी किसी को पिंपल भी हो सकता है, लेकिन आप सभी लगा लें, आपको पिंपल होगा मुझे खुशी होगी। तो इसी तरह से लगाएं, ऐसे कटोरी में लें ढेर सारा और ऐसे लें। अब ऐसे लें ढेर सारा तेल, नारियल का तेल, और ऐसे मुंह पे ऐसे, मतलब ऐसे रगड़ो, इतना बेवकूफ़ हो जाओ एकदम, भाड़ चूल्हे में जाए पढ़ाई, भाड़ चूल्हे में जाए कॉमन सेंस, और जितना बेदर्दी से हो मुंह को अपना रगड़ लो, होठ भी रगड़ लो, तो जिसके यहाँ पे रिंकल नहीं होंगे उसके पक्का रिंकल आ जाएंगे। बेटा देखिए, हमें रिंकल आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम हमारे पीछे खड़े हैं धरती माता एक तरफ, खड़े हैं भाव वाले, और सबसे पीछे खड़े हैं पुरपुर वाले, तो वो तो हमको एंटी रिंकल सीरम वीरम सब बेच देंगे, भेज देंगे फ्री में, बेचेंगे नहीं। लेकिन आप लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा, तो एकदम ऐसा कर, एकदम जैसे पागल हो गए हो वैसा तेल लीजिए हाथ में, और पागलों की तरह ऐसे रगड़ दीजिए एकदम मुंह को अपना, मतलब माँ बहन एक कर दीजिए अपने मुंह की। और वैसे तो मैं ये सब करती नहीं हूँ, मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको आज कुछ बेचना है। धरती माता ने भेजे हैं शैम्पू, और शैम्पू करने से पहले मैंने लगाया बालों में तेल, तो हमको बालों में तेल लगाना पड़ा। मैंने सोचा बालों में ये ज़्यादा गिर गया था एक्चुअली कटोरी में, तो वो बचा हुआ तेल मैं मुंह पर लपेड़ ली हूँ। और बाऊजी अंदर खाना बना रहे हैं, बच्चा भी संभाल रहे हैं, और छोटू जो है पता नहीं क्यों नाराज। अच्छा, जब से ये आइए मैंने बोला है कि मैं प्रमोशन करूँगी, छोटू पता नहीं नाराज होकर बैठ गए हैं। मैं तो बहुत अच्छा प्रमोशन करना चाहती हूँ, बहुत अच्छा मेरे दिमाग में है आइडिया, पर वो गुस्सा होकर बैठे हुए हैं पता नहीं क्यों। पर ये देखिए, हमने ये बहुत सारा तेल लगाया, बहुत सारा। और छोटू भी ना कभी कभी बोलते हैं कि तुमको डाइट वाला खाना दूंगा बिना तेल का, तो मैं यहाँ पे तेल भर ले रही हूँ, तो अभी वो बिना तेल का कभी खाना लाएंगे तो ऐसे करके निचोड़ूंगे तो सब उसमें गिर जाएगा। ये आइडिया भी है। और ये गर्दन, मेरी सुराहीदार गर्दन एकदम जिराफ जैसी, दूसरों के बर्तनों में मुंह डाल डाल के मेरी जो है गर्दन देखिए सुराही जैसी हो गई है, बस ये मोटा हो गया है। थायराइड नहीं है, क्वेस्टोर है मुझे। क्या है? क्वेस्टोर, ढंग से बोलो, कोलेस्ट्रॉल। चलती हूँ नहाने, और वैसे तो मेरा आइडिया था बहुत ही बेहतरीन वाला, आपने देखा था ना जब घर में पार्लर आया था, तो उससे भी ज़्यादा मैं ग्लैमर डालना चाह रही थी, क्योंकि आज बहुत अच्छा मौका था सच्ची में। ऐसे शैम्पू करती मैं, जैसे वो पहले ऐड नहीं आता था साबुनों के, पक्स साबुन के, ऐसे मैं वो करना चाहती थी, पर छोटू नाराज हैं, लेकिन मैं ट्राई करूँगी। छोटू बोलो। छोटू मैं नहाने जा रही हूँ, आ जाइए शूट कर लीजिए प्लीज़, आ जाइए। अब ये YouTube भी ना क्या क्या दिन दिखा रहा है, अब घर की औरतें, लड़कियां, बीवी अब YouTube पे नहा के दिखाएंगी अपने 3 लाख जनता के सामने। छोटू ये आपने बिल्कुल पिछड़े दिमाग वाली बातें करी हैं। आप एक बात बताइए, जब आप गांव में रहते थे तो औरतें नदियों पर नहाने नहीं जाती थी, बताइए। गांव के तुम बात मत करो, गांव तो तब भी बहुत सभ्य होते हैं, जो नदिया किनारे नहाने जाती थी, एक तो मजबूरी में जाती थी, उनके यहाँ होता नहीं था बाथरूम, और जाती भी थी तो वो प्रोटेक्टेड एरिया होता था, अगर कोई वहाँ मर्द दिख भी जाए ना तो उसको इतना धोते थे और इतनी सुइयाँ चबाते थे ना, जिंदगी भर कभी वो नदी की तरफ मुँह ना करता था वो, और गांव गांव में तो उसे रहने ना देते थे। पर मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ ना। तुम तो यहाँ पूरा 3 लाख लोगों के सामने तुम ये नहा के दिखाना चाहती हो,
3 लाख लोगों के सामने नहाना है। छोटू छोटू मैया में नहाती हूँ पन्नी पहन के सर पे, मैं बिना पन्नी के नहाऊंगी, चलो ना आओ ना छोटू। और छोटू तो आपको घर में रहना है कि नहीं रहना है डिसाइड कर लेना और आ जाना, ठीक है? मैं नहाना शुरू कर रही हूँ। हाँ लेकिन कपड़े पहन के नहाना होगा छोटू, आप ना मुझे हमेशा तरक्की से रोक लेते हैं। अगली बार तुम जैसे करना ना करना, जब बाबूजी चले जाएंगे, आज तो कपड़े पहन के नहाओ। अगली बार तुमको जैसे नहाना नहाना, अभी बाबूजी घर में हैं तो आज तो तुम कपड़े पहन के नहाओ। हम औरतों की भी कैसी लाइफ होती है ना, पति लोग आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। ठीक है जाओ नहाओ पहले। मैं नहा के आ गई हूँ, आप लोग मुझे पता है आप मुझे देख के नहाते हो, आपको बड़ा मजा आया होगा। अब मैं एक दो बार और नहाऊंगी और मैं आज ऐसा काम करने जाऊंगी, ऐसा काम करने जाऊंगी कि आप सबकी रूहें कांप जाएंगी। देखिए बस छोटू अब क्या कर दोगे तुम? छोटू जल्दी चलो और बाबू जी को कार में लेके चलो, बाबू जी जो है आज बाबू जी के पैसे निकलवाएंगे, बैंक लेके चलो, थोड़े पैसे निकालें, थोड़ा खर्चा वर्चा करें। ये बोल रही है कि आप लोगों ने बाबूजी का जब नाम लगा ही दिया है, क्यों ना बाबूजी से सच में पैसे निकलवा लें। अरे बाबूजी ना बुरा मान गए, पता है नाराज होकर बैठ गए कल, कह रहे कि तुमने हमसे 10 रुपए बिना लिए ये तुमने बात सुना दी, चलो थोड़ा खर्चा करवा लो। तो बाबूजी को सबसे पहले लेके जाएंगे हम बैंक और उसके बाद जाएंगे हम एक सरप्राइज कप कपवाने। सरप्राइज हम तैयार होके बैठ गए हैं गाड़ी में और बिंदी लगा ली है मैंने और जा रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे बैंक, बैंक में हमको काम है, छोटू यहाँ बैठे हैं, बैंक में हमको ये काम है कि बाबूजी से पैसे निकलवाने हैं। मैं और छोटू का जन्मदिन आ रहा है बहुत जल्दी, तो हमारा बहुत मन है शॉपिंग करने का और सोच रहे हैं बाबूजी से अपने पसंद की थोड़ी सी चीज़ें खरीद लूँ। जन्मदिन छोटू का, पैसे बाबूजी के और शौक मेरे हैं छोटू। और आज हम आपको बहुत ही बड़ा सरप्राइज देंगे, बहुत ही अच्छा सरप्राइज देंगे। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमारे दोस्त थे, हमारे मतलब मेरे दोस्त थे, और शादी के बाद वो दोस्त पता नहीं क्या हुआ, एक दिन मैं घर आई ऑफिस से और वो उल्ले पड़े हुए थे। आप लोग आज का पूरा वीडियो देख के ज़रूर बताइएगा कि वो उल्ला कैसे पड़ गए थे। एक्चुअली शादी के बाद जो है छोटू भी मेरे साथ मिल गए, तो छोटू ने कुछ तो करा था, कुछ तो किनारे लगा दिया उनको, तो अब बड़े सालों के बाद फिर मुझे ख्याल आया कि अरे चलिए फिर से बैंड बजाते हैं किसी जानवर की। और आजकल आप लोग भी बड़े वो हैं, एक है वो पॉसिबिलिटी एंटरटेनमेंट, आप लोग उनको जाके व्यू देते हैं, अब वो बहुत उस पर वाह ही बटोरती हैं जानवरों को दिखा के। तो मैं भी कुछ जानवर लूँगी, हमने कोई नाम नहीं सोचा था, हमने बस छोटू से बोला छोटू क्या नाम रखेंगे, तो छोटू एकदम बोले राज और सिमरन। छोटू अपने को राज मानते हैं और मैं सिमरन से कम हूँ नहीं, तो बस वही लेने जा रहे हैं हम लोग, लेने जा रहे हैं, आप लोग देखिएगा क्या लेने जा रहे हैं। और ये यहाँ का इमामबाड़ा है लखनऊ का, वो जो नीली नीली बिल्डिंग है वो, तो इसकी जो ये आप अच्छे से देख लीजिए, इसकी जो तस्वीर है वो मैं उस वाले अपने ब्लॉग में डालूंगी जिसमें मैंने घर का नक्शा शेयर करा है। और मैंने सोचा है कि इमामबाड़ा स्टाइल में मैं अपना हम लोग अपना घर बनाए ना छोटू, नक्शा बनाए, हमने सोचा है कि जब उसको कोई देखने आएगा ना तो हम उससे भी पैसा ले लेंगे। कैसा आइडिया छोटू? हाँ, अच्छा बिजनेस आइडिया है ना। हाँ, रूम कम खिड़कियाँ ज्यादा रहेंगी। हाँ तो ये जो आप देख रहे हैं ये लखनऊ का वो मार्केट है जहाँ पे बिना लाइसेंस के जानवरों की खरीद फरोख्त होती है। और आज हम लेने आए हैं खरगोश, वो देखिए वहाँ दुकान लगी हुई है, लोग बैठे हुए हैं। यार आ गया बुद्ध बाजार छोटू, देखिए भीड़ लगी है, बहुत सारे लोग आए हैं। वैसे छोटू का मन था डॉगी लेने का और डॉगी इसलिए नहीं ले रहे हम कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें, आप जानते ही हैं, और हमने कुछ अगर तियां पाँचा किया तो डॉगी जो है पलट के दांत भी मार सकता है। छोटू का बड़ा दिल है वैसे, लेकिन हम आप जानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में मेरा क्या हाल है। तो चलते हैं और आपको जानवर दिखाते हैं प्यारे प्यारे। ये देखिए ये भेड़े हैं यहाँ की, ये देखिए छोटू राज और सिमरन बैठे हैं, बहुत क्यूट है ना छोटू। हाँ ये दे दे,
ये ले लेते हैं, ये फाइनल कर दीजिए। हाँ ये कलर भी है ना, इनके बच्चे भी कलरफुल होंगे। हाँ बहुत कलरफुल बच्चे होंगे, रंग बिरंगे। छोटू देखो ये सबसे ज्यादा रंगीन है, पर इसका कलर तो मुझे पसंद नहीं है। इसका कलर तो मुझे पसंद नहीं है। ये बहुत ज्यादा रंगीन हो गया, इतना रंगीन हम लोग नहीं है। नो छोटू ये नहीं, वही वाला छोटे छोटे है ना उनके। जानवरों में रेसिज्म करेंगे हम लोग। क्रीम है ना तुम्हारे पास, लगा देना। हाँ चलो छोटू देखो पार्टी का सामान। पार्टी करें क्या छोटू? हाँ छोटू भाभी को फोन करो, देखो इंतजाम हो गया। अरे वाह कितना बढ़िया लग रहा है ये। और देखो इसके बच्चे भी हैं। नहीं अंडे है क्या? अरे छोटे छोटे अंडे खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये देखो देखो एकदम देसी स्टाइल की। चलो भाभी को फोन मिलाओ फटाफट। अरे एकदम ये तो गावटी है, गावटी। हाँ छोटू ये तितर भी, तितर है क्या? हाँ तितर है छोटू। ये भी तो इनका भी तो बनता है मुर्ग मसाला। अब हर चीज खाने की नहीं जरूरत है ना छोटू। छोटू ये देखो मोर, एकदम तुम्हारी तरह खूबसूरत है ना छोटू। मुझसे तो कमी है देख लो। अब छोटू मोर पुलिंग होता है तो अभी तुम्हारे हाथ, लेकिन तुम अपने आप का सपना बस सजाओ, तुम थोड़े ना लग रहे हो। ये छोटू कभी तो झूठी तारीफ कर दिया करो। छोटू देखो मैं झूठ नहीं बोलती, आप जानते ही हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा प्लीज आउची गिव माय चैनल स्माइल विद छोटू। आई कैन कुक एनीथिंग। छोटू ना भावनाओं से बाहर बह जाते हैं, अब उनको क्या पता है कि मैंने वो चैनल खा लिया इनका। ये देखिए ये है राज, इसको ज़्यादा बाल लें तो। और ये है सिमरन, इसके फूल भी लगा हुआ है। एक मेल एक फीमेल है ना छोटू? हाँ ये सिमरन ये राज, और बाकी हम घर जाके दिखाएंगे। और ये रहेंगे गाड़ी में बंद। और इसके अलावा हमने दो लव बर्ड्स भी लिए हैं, इनको हम बंद करेंगे डिक्की में। ये हमने उल्टा कर दिया, बहुत गर्मी है छोटू मत डाल उसमें। हम आ गए हैं गाड़ी में बैठ गए हैं, और देख लिया आपने हमने जानवरों को कहाँ रखा। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा करने का रीजन क्या है, तो इसके रीजन दो हैं। पहला रीजन ये है कि इनको ये दिखाना है कि इनकी औकात क्या है घर में, मालिक कौन है घर में, इसलिए इनके साथ ऐसा व्यवहार करा जाएगा। और दूसरा रीजन ये है कि छोटू पे मुझे भरोसा नहीं है कि वो नहला देंगे घर जाके कि नहीं, तो एक सैनिटाइजेशन जो होता है, सैनिटाइजेशन का प्रोसेस वो ऐसा पूरा हो जाएगा। अब आगे देखिए कि मैं क्या करती हूँ। जो जान होती हैं उनको सैनिटाइज कैसे करते हैं, जिनमें जान होती है उनको कैसे सैनिटाइज करना चाहिए, ये आज मैं आपको सिखाऊंगी। ये DIY है, बहुत इम्पोर्टेंट। अब हम आए हैं, बाहर निकले हैं, तो सोचा है घर जाने से पहले थोड़ा घूम फिर लेते हैं। बाहर निकले हुए हैं और मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको खूनी दरवाज़ा दिखा दूँ मैं। लखनऊ में खूनी दरवाज़ा कहाँ है आप लोग ये सोचेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग सोचेंगे कि नाम खूनी दरवाज़ा कैसे पड़ा, तो मैं बता देती हूँ कि मैं गाड़ी में गर्मियों के मौसम में जानवरों को बंद करके आई हूँ पूरी तरह से। शीशे वीशे सब मैंने बंद करे हैं, डिक्की में आपने देखा ही कहीं कोई हवा जाने की जगह नहीं है। और ये पीछे खूनी दरवाज़ा है। अब यहाँ पे पूरे परिवार के साथ मैं कम से कम 2-2.5 घंटे घूमूंगी, और तब तक जानवर अंदर रहेंगे गाड़ी में बंद, इससे वो सैनिटाइज भी हो जाएंगे और उनको अपनी औकात भी पता रहेगी, याद रहेगी। तो यही मेरा रीज़न था। वैसे दिल की बहुत अच्छी हूँ मैं, प्योर सोल हूँ, एनिमल लवर हूँ, और काम मेरे ऐसे ही हैं। हम आके बैठ गए, छोटू भी हैं तैयार एकदम, और राज सिमरन भी एकदम तैयार हैं। हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए हैं अब घूम फिर के। छोटू ने बड़ा अच्छा आइडिया निकाला है इनको सैनिटाइज करने का, नहलाने धुलाने की जरूरत नहीं है। अब कार में 2 घंटा बंद करके रख दो, एकदम टाइट हो जाते हैं वो। और आजकल मेरे में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, जैसे कि मैं सुबह सुबह उठ के छोटू भजन सुनती हूँ, भजन कीर्तन में पूरे। भजन क्यों सुनते हो सुबह सुबह? छोटू दिन रात झूठ बोलने और इस तरह के कर्म करने के बाद भजन ही सुनने पड़ेंगे, थोड़े तो पाप कम हो मेरे। अच्छा अच्छा इनका बड़ा, मैंने बताया था ना इनको डॉगी लेने का बड़ा मन था, छोटू का मन था डॉगी लेने का, और मैंने आपको बताया हम क्यों नहीं ले रहे हैं। इनका क्या है ना, ये राज सिमरन का, ये छोटे छोटे हैं तो क्या होगा, क्यूट से होते हैं वैसे तो, बड़े दया तो मुझे आई नहीं, लेकिन क्यूट होते हैं। तो इनका क्या है कि जैसे मान लो हमको प्रयागराज जाना हुआ कभी, या कहीं धर्म कर्म की यात्रा करने जाएंगे,
तो इनको यहाँ वहाँ कहीं पर टिका देंगे। सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि वो जो भाभी हैं जो मेरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो करती हैं उनको भी थमा दूंगी तो वो भी रख लेंगी, और बाकी वो चूँ से चा नहीं करती हैं मेरे आगे, दे दूंगी वो रख लेंगी, है ना छोटू? अच्छा आइडिया निकाला। छोटू भाभी तो कभी तुम्हारे ऊपर ना करती नहीं है, जो बोलोगे वो कर देगी। हाँ वो कर देंगे, ये राजा सिमरन उनको थमा देंगे, ये लव बर्ड्स भी वो भी वो पाल भी लेंगे, खिला पिला भी देंगे हम आराम से, हम लोग घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, और क्या टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम क्यों टेंशन ले। और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि हमारे घर में अब फैमिली मेंबर्स बढ़ गए छोटू, है ना? हाँ अब छह हो गए। हाँ अब जब इन फैमिली में सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि जो इन जहाँ से मैं खरीद के लाई हूँ मार्केट से इलीगल टाइप के से, तो वहाँ पे क्या होगा कि उन्होंने मुझे ये बताया भैया ने कि जब इनके बच्चे होंगे तो वो ले लेंगे और पैसा भी देंगे उनका, है ना? और इतना अच्छा बिजनेस आइडिया, मैंने कहा कि वाह फायदा ही फायदा। हम उसको क्यों देंगे, इसके बच्चे पैदा करवा के हम लोग उसको देंगे और पैसा पैसा लेंगे, और कह रहे हैं हम फैमिली मेंबर है, आप में से कौन कौन फैमिली मेंबर का बिजनेस करता है आप हमें बताइएगा, नन्नी नन्नी जानों का हम लोग सौदा करेंगे, क्योंकि इधर उधर देंगे फ्री में, अच्छे घरों में पहुंच जाएंगे, क्या फायदा, हमारे जैसे घरों में जाएंगे आगे उनका भी बिजनेस होगा, कितना अच्छा आइडिया है। और इनका इनका कलेक्शन भी हम आपको दिखाएंगे इंस्टा पे, वहां पे जरूर देखना, आपसे मैं और ज्यादा पैसे लूंगी क्योंकि आप तो ऐसे ही है पगले से, ले भी दे भी देंगे मुझे। ये आ गया है देखिए छोटू, ये हमारे लखनऊ का बड़ा सा इमाम बाड़ा है, आजकल तो बंद पड़ा है, बहुत भीड़ है लेकिन बंद है, फिर भी भीड़ है, तो यहाँ पे भी हम कभी आएंगे, बंद है अभी, इसके जैसे घुमा देते हैं ना इमाम बाड़ा, बंद है क्या, कहाँ क्या करेंगे वो, बाबूजी उतर के घूम लेंगे, यहाँ छोड़ देते हैं बाबूजी, घूम लीजिए शाम को आ जाएंगे लेने। अच्छा बेटिया, बाबूजी फोन ऑन रखिएगा। अच्छा बेटिया छोटू, एक कमेंट आया है कि तुम ऑयली फूड खाते हो इसलिए तुमको कोलेस्ट्रॉल हो गया है। अच्छा रिप्लाई कर देती हूँ, कर दो अच्छे से करो जरा उसको, मुझे नहीं हुआ है कोलेस्ट्रॉल जी। लेकिन छोटू तुम तो हमेशा बोलते हो तुम्हें कोलेस्ट्रॉल हुआ हर दूसरे वीडियो में तो बोलती हो तुम। हाँ छोटू ऐसे तो छोटा मोटा झूठ में बोलती रहती हूँ ना, पता कहाँ चलता है कुछ भी। तुम्हारा एक करी वाला अभी तक हंगामा मचा रहा है, अब कोलेस्ट्रॉल वाला मचाएगा, इतना भी झूठ अच्छा नहीं लगता छोटू। अच्छा चलो जानवरों के हाल लें, उनको औकात याद आई कि नहीं। अरे छोटू राज सिमरन और हमारे लव बर्ड्स तो उल्ली पड़ गई हैं एकदम। पर छोटू बच्चे भी कि नहीं बचे हैं, बचे हो ना बचे हो जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, चलो सांस ले रहे हैं, जल्दी जल्दी पानी मारो पानी मारो। और छोटू अब लोग बोलेंगे कि डिक्की में तो हवा पास हो जाती है, तो डिक्की अच्छी तरह से देख लीजिए आप लोग, ये देखिए अब इसमें कहाँ हवा पास होती है हमें जरूर बताना, यहाँ से ऊपर से बंद हो जाता है, तो जब कार चार तरफ से बंद होगी तो कहाँ से हवा पास होगा, ठीक है? और दीदू की डिक्की जरूर जाके देखिएगा कहाँ से पास होती है बताइएगा, हमारे में तो नहीं होती है, ऊपर से गाड़ी के शीशे वगैरह सब बंद थे और जानवर इस तरह से पड़े हुए थे आधे हाफते हुए। तुमसे एनिमल लवर हो? और मैं बहुत बड़ी एनिमल लवर हूँ, और ये सब हमारा कांड देखने के बाद आप जरूर बताइएगा कि जानवर कौन है वो कि मैं, नीचे जरूर कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे तो शेयर करना भी बनता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और कांड के साथ, बाय बाय। आप अपना जानो। ठीक है बी केयरफुल। Good job. Good job.